नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत और हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जी हां, लॉकडाउन बढ़ गया है, परेशानी आपकी भी बढ़ गई होगी क्योंकि अब मानसिक तनाव की स्थिति और होगी क्योंकि अभी आपको घर पर ही रहना है, क्योंकि अगर कोरोना से बचना है तो घर पर रहना बेहद जरूरी है। लेकिन उसके बावजूद अभी भी भारत की जनता इस बात को नहीं समझ रही है। भीड़ तंत्र का हिस्सा बनने के लिए बार बार मना किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोग सड़कों पर आ रहे हैं। जब लोगों को थाली बजाने को कहा जाता है तो लोग थाली बजाते हैं लेकिन इकट्ठे होकर। जब लोगों को दिया जलाने कहा जाता है तो लोग दिया जलाते हैं लेकिन दिवाली मनाने की तरह, जबकि वक्त है सोशल डिस्टेंसिंग का, यानी कि दूर रहें और सुरक्षित रहें, घर पर बैठें सुरक्षित रहें। इसके बाद देश के जिन जिलों में लॉकडाउन है वहां बाजार में बड़ी संख्या में लोग बाहर घूमते और बाजार में खरीदारी करते दिखे। इससे कई जिलों में लॉकडाउन बेअसर दिखा। भारत में लोग कोरोना वायरस और लॉकडाउन को बेहद हल्के में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोग ना अपनी परवाह कर रहे हैं ना ही दूसरों की। इससे पहले ऐसा यूरोप के कई देशों में देखने में आया था, जब वहां की जनता ने लॉकडाउन का मजाक बनाया था। अब वे इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। चीन से फैला ये वायरस 198 देशों में अपना प्रकोप दिखा चुका है, लेकिन उसके बावजूद लोग इस बात को नहीं मान रहे हैं, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। बाकी देशों की हालत देखना और जानना समझना बेहद जरूरी है, इसीलिए प्रोग्राम आपके लिए है। बाकी देशों के हालात समझे, जिन लोगों ने लापरवाही बरती थी आज उन देशों के क्या कुछ हालात हैं। भारत की स्थिति भी इटली और अमेरिका जैसी ना हो जाए, इसीलिए ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है। यहाँ पिछले कई दिनों से पॉजिटिव मामलों की संख्या लगातार घटी, मृतकों का आंकड़ा भी लगभग थम गया है। चीन ने आश्चर्यजनक रूप से इस पर कैसे काबू पाया, हर कोई यही जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन ने गलती भी की है। शुरुआत में जब इस वायरस के बारे में लोगों को पता चला तो चीन ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। यही कारण है कि चीन में तेजी से ये वायरस फैलता रहा और चीन नए साल का जश्न मनाता रहा, और उसका नतीजा आज पूरे विश्व के सामने है। विश्व के देशों में महातबाही ये कोरोना बचा रहा है। चीन ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया। चीन को न सिर्फ शहर को लॉकडाउन करना पड़ा बल्कि सोसाइटी को भी लॉकडाउन कर दिया। कैश ट्रांजेक्शन को रोकने के लिए एटीएम को बंद किया गया, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। जिन सोसाइटीज को लॉकडाउन किया गया वहां पर एक घर से सिर्फ एक व्यक्ति को बाहर निकलने की अनुमति दी गई। ग्रोसरी खरीदने के लिए 2 घंटे का वक्त दिया गया था। ट्रेनों को पूरी तरह से बंद तो नहीं किया गया था, लेकिन वहां ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी कम कर दी गई थी, और यही गलती चीन को भारी पड़ी। लोगों ने आइसोलेशन में रहना शुरू किया, हेयर सलून तक को बंद कर दिया गया था। चीन की सरकार ने हर स्तर पर बड़े कदम उठाए। इटली ने भी गलती करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इटली ने भी बहुत सारी गलतियां की हैं। 10 मार्च से इटली में लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया, यानी कि लोग शॉपिंग करते रहे, पार्टी करते रहे, लोगों से मिलते रहे और लोगों के पास जाते रहे, यानी कि उनके संपर्क में आते रहे, जिसका नतीजा आज इटली भुगत रहा है। इटली के लोम्बार्डी में भी लॉकडाउन का कड़ाई से पालन नहीं हुआ। यहाँ पहले राज्य सरकार ने खुद भी इसमें ढील बरतने को लेकर सहमति दी थी, लेकिन अब लोम्बार्डी क्षेत्र के प्रेसिडेंट ने कहा कि आर्मी के इस्तेमाल से लोगों को जबरदस्ती घर में कैद करने में मदद मिलेगी। चीन के वुहान सिटी से फैला जानलेवा कोरोना वायरस अब यूरोपीय देशों पर कहर बनकर टूट रहा है। खासकर इटली और स्पेन इससे ज्यादा पीड़ित है। गौरतलब है कि इटली में कोरोना वायरस का पहला मामला जनवरी को देखने में मिला था, जब 2 चीनी पर्यटकों को इससे ग्रस्त पाया गया। प्रशासन ने उन्हें जांच के लिए भेजा। ये वायरस जनवरी के मध्य में इटली में फैले वायरस का केंद्र लोम्बार्डी शहर से पूरे देश में फैलना शुरू हो गया। क्योंकि शुरुआत में कोरोना संक्रमित बीमारी का कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहा था, इस वजह से ये बीमारी दूसरे यूरोपीय देशों में, मसलन स्पेन, जर्मनी और फ्रांस में फैल गई। दरअसल वहां के डॉक्टरों द्वारा पहले माना गया कि लोगों को निमोनिया हो रहा है, उसके बाद जांच की गई। 2 दिनों से बुखार की शिकायत होने पर मरीजों को अस्पताल पहुंचाया गया, बुखार की दवा देकर उन्हें घर भेज दिया गया, लेकिन उनका बुखार कम नहीं हुआ। उसके बाद लोगों के मरने की खबर आने लगी। आसपास के शहरों में हजारों लोग इससे पीड़ित हो गए, तो प्रशासन ने वहां आने जाने पर रोक लगा दी। सरकार द्वारा इटली के बड़े शहर मिलान में अनेक प्रतिबंध लगाते हुए स्कूल बंद कर दिए गए।
बार और रेस्तरा में 6 बजे के बाद जाने पर रोक लगा दी गई। इटली का दावा था कि पूरे यूरोप में सबसे पहले उसने इस वायरस से निपटने के लिए कार्रवाई की थी। हालांकि तब उसे इसकी आशंका जरा भी नहीं थी कि ये मामला चीन जैसा भयंकर हो जाएगा। अगर 17 से 18 मार्च के बीच की स्थिति इटली की बात करें, तो इटली में हर दिन हजारों की तादाद में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले सामने आते रहे। ऐसे में इटली एक विकसित देश, इटली बीमारों का इलाज करने के लिए हॉस्पिटल बेड्स की कमी से जूझने लगा। आमतौर पर जंग में इस तरह के हालात पैदा होते हैं, लेकिन इटली को शांतिकाल में इस तरह की चुनौती भरी स्थिति से दो चार होना पड़ रहा है। माना यह भी जाता है कि इटली में कोरोना वायरस लोम्बार्डी प्रांत से फैला था, जहां के गवर्नर पहले दावा कर रहे थे कि ये रोग फ्लू सरीखा है। उत्तरी इटली का लोम्बार्डी प्रांत देश का आर्थिक केंद्र माना जाता है, इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आना जाना भी खूब है। इस क्षेत्र में कोरोना वायरस चुपचाप तरीके से फैलता रहा, लेकिन दो चीनी पर्यटकों को आइसोलेशन में डालने के बाद प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं गया और यही गलती इटली की रही। इटली कोरोना वायरस की चपेट में है, इसका कहीं ना कहीं कारण रहा है इटली की परंपरा। इटली में लोग मिलते हैं तो नमस्ते नहीं करते हैं। इटली में अभिवादन का तरीका भारत से बिल्कुल अलग है। यहाँ किसी का अभिवादन करते वक्त दोनों गालों पर चूमा जाता है, इस वजह से लोग एक दूसरे के संपर्क में ज्यादा आ जाते हैं, जिससे चीन में इटली के लोगों की आवाजाही खूब बढ़ी है। इटली का फैशन बाजार भी काफी फेमस है। गुच्ची, प्रादा जैसे जो ब्रांड हैं, वो इटली से ही आते हैं और इसकी डिमांड भी काफी है। वो पूरे विश्व में डिमांड इसकी काफी देखी जाती है और यही कारण रहा कि व्यापार करना इटली के लिए कहीं ना कहीं महंगा पड़ गया। 2018 में जनवरी से अक्टूबर के बीच लगभग 12 करोड़ किलोग्राम चमड़े के उत्पादन इटली में आए। इनमें 60% हिस्सेदारी चीन की ही थी। चीन के वुहान सिटी से मिलान तक सीधी फ्लाइट है। इटली में भी अधिकतर इटालियन लेदर प्रोडक्ट चीन जाते हैं। कई चीनी कंपनियों ने भी इटली के फैशन बाजार में अपनी पैठ बना ली है और यही कारण रहा कि इटली में सबसे ज्यादा ये बीमारी फैली है। इटली की फैक्ट्रियों में काम करने वाले कम से कम 1 लाख लोग सीधे वुहान से आते हैं। माना जाता है कि वुहान से इटली सीधी उड़ान के चलते कोरोना वायरस तेजी से इटली पहुंचा। इसी वजह से चीन के बाद इटली में कोरोना वायरस का प्रकोप इतना ज्यादा फैला है। कोरोना का महातांडव अमेरिका में भी देखने को मिल रहा है। अमेरिका कहीं ना कहीं कोरोना हब बन चुका है। एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका में भी मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन ट्रंप की नाराजगी भी कहीं ना कहीं है। वो बार बार चीन से ये कह रहा है कि चीन अगर इस बात को पहले नहीं छुपाता, पहले ही पूरे विश्व को बता देता, तो शायद इससे बचा जा सकता था। यानी कि अमेरिका की नाराजगी चीन को लेकर साफ देखी जा रही है। लेकिन जो लोग ट्रंप की शैली और उनकी राजनीति को जानते हैं, उनका कहना है कि अगर चीन पहले बता देता, तभी क्या गारंटी थी कि ट्रंप उनकी बात पूरी गंभीरता से लेते। अमेरिका में बहुत से लोग मानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप अपनी गलतियां छिपाने के लिए चीन को दोषी ठहरा रहे हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि चीन दूध का धुला है। आज जब अमेरिका अचानक दुनिया में कोरोना के संक्रमण का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है और मरीजों की संख्या के मामले में इटली, स्पेन और चीन से भी आगे निकल चुका है, तब ये सवाल हर एक के मन में है कि दुनिया का सबसे आधुनिक, सबसे विकसित, सबसे ज्यादा सक्षम देश होने के बावजूद अमेरिका इस मामले में कैसे पिछड़ गया। इसका जवाब है कि अमेरिका ने वक्त रहते इस वायरस का प्रसार रोकने के लिए कदम नहीं उठाए। अमेरिका ने 6 गलतियां की है, यही कारण है कि आज वो कोरोना को लेकर केंद्र बन चुका है। सबसे पहली गलती की अगर हम बात करें तो 2018 में ट्रंप ने एक स्वास्थ्य के लिए ग्रुप बनाया था, जिसे ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी का नाम दिया गया था। महामारी के वक्त ये ग्रुप काम करती थी, लेकिन कोरोना से पहले ही इस ग्रुप को बंद कर दिया गया। पिछले साल अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी थी कि फ्लू की अगली महामारी बड़ी तबाही ला सकती है, फिर भी इस संस्था को बहाल नहीं किया गया। अमेरिका की दूसरी गलती ये थी कि जब जनवरी में चीन के साथ साथ दूसरे देशों में वायरस के फैलने की खबरें आने लगी थी, तब भी ट्रंप प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया। तब ट्रंप ने कहा था कि हालात पूरी तरह काबू में है। 24 जनवरी को उन्होंने एक ट्वीट किया था कि चीन कोरोना वायरस को काबू में करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है और अमेरिका उसकी कोशिशों और पारदर्शिता की प्रशंसा करता है।
सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान जैसे देशों ने तो चीन में वायरस फैलते ही अपने यहाँ बड़े पैमाने पर एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए थे, पर अमेरिका ने ऐसा कुछ नहीं किया। वहाँ लोगों को हालात की गंभीरता का एहसास नहीं था, वे स्कूल, कॉलेज, दफ्तर जा रहे थे, समुद्र तटों पर वक्त बिता रहे थे, पार्टियां कर रहे थे, जमकर खरीदारी हो रही थी। अमेरिका की मशहूर वेबसाइट MSNBC ने लिखा है कि ट्रंप प्रशासन ने उस बहुमूल्य मौके को हाथ से निकल जाने दिया। अमेरिकी सरकार ने तब जाकर मामले की गंभीरता ली जब लंदन के इंपीरियल कॉलेज ने अपनी एक रिपोर्ट में चेतावनी दी, अगर सरकारों ने कुछ नहीं किया तो ब्रिटेन में लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग, अमेरिका में 22 लाख लोग मारे जा सकते हैं। अगर अब जरूरी कदम उठा लिए जाए तब भी मौतों की संख्या आधी ही की जा सकती है। इसके बाद ट्रंप प्रशासन की नींद उड़ गई और उसने तत्परता दिखानी शुरू की। अमेरिका की तीसरी बड़ी गलती ये रही कि उसने चीन से आने जाने वालों पर पाबंदी बड़ी देर से लगाई, यानी कि 2 फरवरी तक इसे रोक दिया जाना चाहिए था। 2 फरवरी के बाद इस पर ध्यान दिया गया, तब तक लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग चीन से अमेरिका आ चुके थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका के शहरों में 30 विमान उतारे जाएंगे जो या तो चीन से ही चले थे या फिर चीन से होते हुए आ रहे थे। उसके कुछ दिन पहले 24 जनवरी को ही अमेरिका में वुहान से आए 2 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हो गई थी। वायरस के संदिग्धों की बड़े पैमाने पर जांच ना किया जाना अमेरिका की चौथी बड़ी गलती थी। ताइवान, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर ने इस वायरस के संक्रमण को बढ़ने नहीं दिया, तो इसके 3 कारण है। शुरुआती मामले आते ही तुरंत रिएक्शन, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच करना और लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करना। अमेरिका ने ये सभी काम करने में बहुत देर कर दी। अमेरिका में कहा जा रहा है कि ये कदम उठाने में देर करने के पीछे ट्रंप के मन में बैठा ये डर हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोगों की जांच करना और मरीजों की पहचान करना या तो दहशत पैदा करेगा या फिर प्रभावितों का बड़ा आंकड़ा उजागर होना चुनाव में ट्रंप पर भारी पड़ सकता है। अगर बात 26 फरवरी की जाए तो प्रेस से बातचीत में ट्रंप ने कहा था कि हमने अमेरिका के लिए जितना काम किया है अमेरिका की जनता के लिए जोखिम कम है, हमारे यहाँ 15 मरीज हैं और एक आध दिन में ये संख्या 0 के आसपास आ जाएगी। अमेरिका की पांचवी गलती ये रही कि अमेरिका ने चाहे अस्पताल की व्यवस्था हो, चाहे बिजनेस की व्यवस्था हो, चाहे बेड बिस्तरों की व्यवस्था हो, लोगों को क्वारंटाइन करने की व्यवस्था भी अमेरिका ने ठीक से नहीं की। अमेरिका विकासशील देश है लेकिन उसके बावजूद ये सब व्यवस्था अमेरिका नहीं कर पाया। यही कारण है कि लगातार कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा अमेरिका में बढ़ता जा रहा है। बल्कि कहा यह जाता है कि पिछले ओबामा प्रशासन ने जो कुछ ढांचा तैयार भी किया था मौजूदा सरकार ने उसे खत्म कर दिया। सुविधाओं के अभाव में इतने बड़े वैश्विक संकट से निपटना अब आसान नहीं है अमेरिका के लिए। ट्रंप प्रशासन की छठी गलती ये थी कि उसने जर्मनी में बने डायग्नोस्टिक टेस्ट की खरीद की पेशकश ठुकरा दी। ये टेस्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मंजूरी शुदा था, ये अमेरिका ने इसके किट्स नहीं खरीदे और बाकी देशों ने वो खरीद लिए। नतीजतन अमेरिका में टेस्टिंग किट्स की भारी किल्लत हो गई और वायरस प्रभावितों की ढंग से जांच नहीं हो पाई। अफसोस की बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति आज भीषण महामारी का सबसे बड़ा वैश्विक केंद्र बन गई है। इससे लाखों अमेरिकी नागरिकों की जिंदगी तो खतरे में पड़ी है, अगले चुनाव में खुद राष्ट्रपति ट्रंप के जीतने की संभावना पर भी इसका असर पड़ा है। जर्मनी भी कोरोना से अछूता नहीं है। विश्व में अगर जर्मनी की बात होती है तो पार्टियों के लिए काफी फेमस है ये देश, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें कोरोना वायरस की तो कोरोना वायरस को जर्मनी में सीरियस नहीं लिया गया, यानी कि कोरोना वायरस के बारे में पता लगने के बावजूद लोग अगर पार्टियां करते थे तो उसका नाम भी कोरोना पार्टियां रखते थे। जर्मनी के दक्षिण प्रांत बावेरिया के प्रेसिडेंट मार्क ज्योइडर का कहना है कि यहां कोरोना पार्टियां की गई, कई युवा बुजुर्गों का मजाक बना रहे हैं, वे कोरोना कोरोना भी चिल्लाते रहे। बहुत से ऐसे ग्रुप हैं। इसके बाद जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने 2 से ज्यादा लोगों के एक साथ खड़े होने पर प्रतिबंध लगा दिया, चाहे वे एक ही परिवार के क्यों ना हो। चांसलर मार्केल ने खुद को आइसोलेट कर लिया। मार्केल एक कोरोना से संक्रमित डॉक्टर के संपर्क में आ गई थी। हालांकि कुछ दिन पहले मार्केल को मार्केट में भी देखा गया था।
अगर बात फ्रांस की जाए तो फ्रांस ने भी बेहद लापरवाही बरती है, जिसका खामियाजा फ्रांस भुगत रहा है। लॉकडाउन होने के बावजूद लोग घरों से निकल रहे थे, दफ्तर जा रहे थे, पार्टियां कर रहे थे, रेस्टोरेंट जा रहे थे और भीड़ तंत्र का हिस्सा बन रहे थे। और यही कारण रहा कि फ्रांस में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती चली गई। ये लोग मूर्ख हैं, ये खुद और अपनों के लिए ही खतरा बन रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग पार्टी और क्लबों में भी जा रहे थे। सरकार ने कहा कि शहर के लोगों की इन हरकतों से कोरोना वायरस ग्रामीण इलाकों और समुद्री बीचों पर पहुंच सकता है, जहां उसे रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि इन इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं ज्यादा बेहतर नहीं है। आगे आपको दिखाएंगे कि WHO की भारत को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, WHO ने क्या कुछ सलाह भारत को दी है। तमाम बड़े देशों ने जो गलतियां की, अब उसका जो उदाहरण है आप सभी के सामने है। उन गलतियों के बावजूद यहाँ पर देश नहीं मान रहे हैं कि हमारी ये गलती थी, हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था। चलिए अब बात भारत की कर लेते हैं। भारत की तारीफ यहाँ पर की जानी चाहिए, क्योंकि पहले ही विदेश मंत्रालय एक्टिव हो गया, देश के प्रधानमंत्री एक्टिव हो गए। कारण ये रहा कि भारत में कोरोना फोबिया नहीं बन सका। हम संक्रमण के भारत आने के खतरों, बचाव और उपायों पर चर्चा करके इसे अमल में ला रहे थे। विदेश मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव का मानना है कि कोरोना का भारत में उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना अमेरिका में हो रहा है। अगर देखा जाए तो भारत में आंकड़े काफी बैलेंसिंग है, कुछ लोग ठीक भी हो रहे हैं। इसका यही कारण रहा कि बाकी देशों ने जो गलतियां की थी, भारत ने उसे सुधारने की कोशिश की। यानी कि सरकार का आम जनता से तालमेल या विदेश मंत्रालय का स्वास्थ्य मंत्रालय से तालमेल जो है वो बेहद अच्छा रहा है। बताते हैं इसका सबसे बड़ा कारण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का खुद चिकित्सक होना, चिकित्सा मामलों की जानकारी रखना और लगातार अलर्ट रहना है। चीन की हालत देखकर कई देशों ने इससे सबक लिया है, भारत भी उनमें से एक है। भारत ने चीन को अच्छे से स्टडी किया और उसके बाद रणनीति बनाकर भारत चल रही है। दूसरा बड़ा कारण प्रधानमंत्री द्वारा खुद पहल करके लगातार समीक्षा करना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंका वाले या अन्य देशों में फंसे भारतीयों को देश में लाने के लिए प्रोटोकॉल तैयार कराने, कूटनीतिक प्रयासों को गति देने में अहम रहे। भारत की ओर कई देश मदद की आस लगाते हुए देख रहे हैं। ईरान ने भी भारत से मदद मांगी है। अगर चीन की बात करें तो चीन को भारत ने बेहद मदद की है। इसके साथ ही चीन ने जो भी एक्सपीरियंस झेले हैं कोरोना के वक्त, वो भारत के साथ साझा किए हैं। हमारी पहली कोशिश यही थी कि कोरोना का कोई अनजाना संक्रमित देश में दाखिल ना हो, क्योंकि इससे अन्य में संक्रमण फैलेगा। इसलिए नेपाल म्यांमार की सीमाओं से लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों, बंदरगाहों पर विशेष ध्यान दिया गया। थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई और कड़ाई से इसे लागू किया गया। समय रहते आइसोलेशन वार्ड में संक्रमितों को पहुंचाया गया और चिकित्सकीय प्रक्रिया आरंभ हुई। एडवाइजरी, राज्यों के विशेष एडवाइजरी पर ध्यान दिया गया। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि फरवरी के पहले सप्ताह में ही नई दिल्ली ने कोरोना संक्रमण के भयानक रूप लेने का अंदाजा लगा लिया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि भले ही कोरोना को लेकर कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन भारत कोरोना से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। यानी कि तमाम तरह की व्यवस्थाएं करने की पूरी कोशिश की जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार बताते हैं कि कई देश कोरोना संक्रमण और इसके फोबिया से निपटने के लिए भारत के प्रयासों की सराहना कर रहे हैं, वो हमसे सहायता चाहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ऐसे तो पूरे विश्व की सहायता कर रहा है, भले अमेरिका WHO से नाराज है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत को लेकर WHO की प्रतिक्रिया बेहद पॉजिटिव है। चलिए अब आपको वो सवाल जवाब भी दिखाते हैं कि जब WHO से सवाल पूछा गया बाकी देशों की तुलना में भारत की जो प्रतिक्रिया रही है कोरोना को लेकर, उसे लेकर WHO क्या समझता है। दुनिया के अन्य देशों की तुलना में यहाँ इसका संक्रमण बहुत कम घातक रहेगा। ये पूछने पर कितने दिनों तक कोरोना संक्रमण का खतरा रहेगा, कोरोना संक्रमण का स्वास्थ्य के लिहाज से जितना बड़ा खतरा लग रहा है उससे कहीं ज्यादा आर्थिक क्षेत्र में परेशानी बढ़ेगी। इसलिए ये जो वक्त है धैर्य से काम लेने और अनुशासित नागरिक की तरह चलने का है। WHO से ये भी सवाल पूछा गया कि अमेरिका और इटली की स्वास्थ्य सुविधाएं भारत से कहीं बेहतर है, इसे लेकर अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में सलाह मांगे तो WHO की सलाह क्या है, क्योंकि बेहतर सुविधा होने के बावजूद अमेरिका और इटली के हालात काफी बिगड़े हुए हैं। बीमारी को गंभीरता से लेने के लिए भारत के लोगों का शुक्रिया। भारत के पास इससे मुकाबला करने की अद्भुत क्षमता है।
आपके देश ने सख्त कदम उठाए, लोगों को संक्रमण और बचाव की जानकारी दी। पूरी दुनिया इस वक्त अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही है। ये खामोशी से हमला करने वाला दुश्मन है। मुझे खुशी है कि भारत ने तुरंत एक्शन लिया। सरकार की पूरी मशीनरी ने मिलकर काम किया। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक साथ आए। WHO से ये भी सवाल पूछा गया कि भारत घनी आबादी वाला इलाका है और ऐसे में लॉकडाउन की वजह से कई लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं, यानी कि कुछ लोग अपने घर की आस लगाए बैठे हैं और बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। ऐसे लोगों को WHO क्या सलाह देता है, आप भी सुनिए। दूसरे देशों ने इस पर तेजी से काम नहीं किया। उन्होंने माना कि महज कुछ केस आने पर ये गंभीर समस्या नहीं है। अब आप देखिए कि अमेरिका में क्या हो रहा है। अगर ये स्थिति भारत में बनती तो क्या होता, यहाँ तबाही आ सकती थी। मैं भारत के लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमें इससे मिलकर मुकाबला करना है। हमें ऐसे किसी दुश्मन से पहले मुकाबला हमने नहीं किया। हम सब खतरे में हैं। आज मुझे बीमारी नहीं है लेकिन कल हो सकती है, ये सोचकर सभी को चलना है। मुझे अपने परिवार और कम्युनिटी को बचाना है, ये सोचकर सभी को लॉकडाउन का पालन करना होगा। WHO ने भारत के कामों की तारीफ की है और कहा है कि भारत में कोरोना से निपटा जा सकता है। और भी क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। इटली और अमेरिका में COVID-19 का गंभीर असर हुआ क्योंकि वहां समुदाय में वायरस घूमता रहा। उन देशों ने लक्षण मिलने पर भी लोगों को आइसोलेट नहीं किया। अगर आप तेजी से एक्शन नहीं लेते तो मुश्किल बढ़ सकती है। तेजी से एक्शन लेना ही एकमात्र समाधान है, जैसा भारत में हो रहा है। भारत के कुछ डॉक्टर मानते हैं कि कोरोना को लेकर भारत को कम चिंता करने की जरूरत है क्योंकि कोरोना वायरस जब चीन से फैला था तो भारत पहुंचते तक वो काफी कमजोर भी हो चुका है। इसके अलावा कहीं ना कहीं भारत की तरफ से की गई व्यवस्था भी कोरोना को हराने के लिए काफी हो सकती है अगर जनता सहयोग दे। ये वायरस तभी ट्रांसफर होता है जब लोग नजदीक आते हैं। हो सकता है आप बीमार महसूस ना करें लेकिन अगर आप खांसते या छींकते हैं तो दूसरे लोगों को संक्रमण कर सकते हैं। कई बार ऐसे संक्रमण से लोगों की मौत तक हुई है, इसलिए लोगों से दूरी बनाकर रखें। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ है तो खुद को आइसोलेट करें। परिवार के साथ रहते हैं तो उन्हें भी आइसोलेट करें। कम से कम 14 दिन तक किसी के संपर्क में ना आए। लॉकडाउन के दौरान अपने समुदाय में निगरानी की व्यवस्था बनाएं। संदिग्धों की पहचान का तरीका विकसित करें। सबकी जांच करना मुमकिन नहीं है, यूरोप और अमेरिका में भी नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें लोगों पर सख्त निगरानी रखनी चाहिए। जो भी संदिग्ध हो उसे आइसोलेट किया जाना चाहिए। ऐसा करने से संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकता है और स्वास्थ्य सुविधाएं जरूरत के लिए बची रह सकती है। इसके बाद हालात सुधरने पर सरकार लॉकडाउन में छूट दे सकती है। WHO ने आगे कहा कि मैं जानता हूं कि लॉकडाउन मुश्किल होता है, गरीब और गरीब होते जाते हैं, खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ती है, लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन बीमारी से मुकाबला करने के लिए बेहद जरूरी है। हमारे बर्ताव में बदलाव लाकर हम खुद को, अपने समुदाय को बीमारी से बचा सकते हैं। भारत के लोग जानते हैं कि इन समस्या से कैसे निपटा जाए। इस तरह के संकट के दौरान खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ सकती है, लेकिन भारतीय इसकी कमी से निपटना भी जानते हैं। हालांकि ये भी बहुत जरूरी है कि आप उन समुदायों का ध्यान रखें जिनके पास खाने पीने की चीजों की कमी हो सकती है। आप जितनी जल्दी एक्शन लेंगे आपकी परेशानी उतनी कम होगी। जहां एक बात सरकार की तारीफ करने की है, हम तब तक तारीफ नहीं करते जब तक हमें इस तरह की कोशिशें दिखाई न दे। भारत ने बीमारी से मुकाबले के लिए जबरदस्त तेजी दिखाई है जो काबिले तारीफ है, WHO ने ये कहा है। जब WHO से ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर चीन ने कोरोना के बाद विश्व से क्यों छुपाई, उस पर WHO का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए। WHO ने आगे कहा कि हम सच में उम्मीद करते हैं कि यहाँ पहुँचते पहुँचते वायरस की ताकत कम हो जाए। उन तमाम देशों में जहाँ मौसम गर्म है वहाँ लोग संक्रामक बीमारियों के संपर्क में रहते हैं, उनकी प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ COVID-19 भारतीयों के शरीर में ही हार जाए। जहाँ तक BCG इम्यूनो सिस्टम की वजह से लोगों में संक्रमण से बचाव की बात है तो मैं इससे भी मदद मिलने की उम्मीद करता हूँ। साथ ही लोगों का एज ग्रुप बीमारी से मुकाबले का अहम फैक्टर है। उम्र की बात करें तो कई विकासशील देशों में और भारत में उस आयु वर्ग के कम लोग होंगे जो इससे प्रभावित हो।
लॉकडाउन का मजाक बनाना, लॉकडाउन का पालन ना करना, लॉकडाउन के मेम बनाना कहीं ना कहीं देशों के लिए भारी पड़ा है। ये उदाहरण आपको इसलिए दिखाए गए ताकि आप इन बातों को समझें कि बाकी देशों ने जो गलती की है वो भारत ना करे, यानी कि भारत को इटली बनने से बचाना है, भारत को अमेरिका बनने से बचाना है। लॉकडाउन अगर बढ़ाया गया है तो उसका पालन करना कहीं ना कहीं आपकी सेहत के लिए बेहद जरूरी है। WHO ने आगे कहा कि इस देश के लोगों के लिए बेहतरी की उम्मीद हम करते हैं, लेकिन आप केवल उम्मीद पर जंग नहीं जीत सकते। सभी मेडिकल प्रोफेशनल्स की तरह मेरी भी दिल से कामना है कि भारत में ये वायरस दुनिया में सबसे कम खतरनाक हो। तमाम एहतियाती कदम उठाने होंगे, तैयारी करनी होगी, लॉकडाउन के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ानी होगी, इलाज की तैयारी करनी होगी, ताकि अगर हमारी उम्मीदें कामयाब नहीं हो पाई तो अचानक मुश्किलें ना बढ़ जाए, हमें दूसरे देशों की तरह हालात का सामना ना करना पड़े। घर वालों के साथ वक्त बिताइए और खुश रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी के साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।